अभी हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन कैलकुलेशंस। टॉपिक इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन कैलकुलेशंस, है ना। वी हैव टू नो द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिजिट्स का यूज कैसे होता है, कैसे ऐड करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसिडर करके। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल प्लेसेस इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डेसिमल डिजिट्स इन एनी टर्म और नंबर। इट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल प्लेसेस इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू और मस्ट बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो डेसिमल प्लेसेस होगा वो डेसिमल प्लेसेस हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसमें जो है लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। ये जो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है नंबर को देख करके। जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल डेसिमल के बाद डिजिट्स होगा उतना ही सबसे कम डिजिट रिजल्ट में भी आएगा। जो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस के बाद उतने ही डिजिट रहेंगे जितना किसी टर्म में होता है, जिस टर्म में सबसे कम डिजिट हो डेसिमल प्लेसेस के बाद। ओके, ऐसा नहीं है कि डेसिमल प्लेसेस के बाद मैंने 3 नंबर दिया है तो 3 नंबर में जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस हो वो नहीं यूज करते हैं, सबसे कम डेसिमल प्लेसेस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ हमको ऐड करना है 33.3, 43.351 एंड 12.62, इसको हमको ऐड करना है। पहले नंबर में देखिए डेसिमल प्लेसेस के बाद एक डिजिट है जिसको 3 देख लीजिए, एक डिजिट है डेसिमल प्लेसेस के बाद, एक डिजिट हम यूज कर रहे हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, 3 डिजिट है, 351 3 डिजिट है, इसमें है 1 इसमें है 3 और नीचे वाले में क्या है 2। फर्स्ट वन 2 3 सॉरी 1 3 एंड 2। तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेस के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट। तो ऐड करेंगे 33.3, तो दो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट है उसको हम लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट बनाएंगे, है ना। इसमें 3 डिजिट है तो इसको हम एक डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, है ना, डेसिमल प्लेसेस के बाद ओनली। तो राइट हैंड साइड से हम राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 को रिमूव किया, 5 को रिमूव करेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट पे 1 बढ़ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, 43.4 आ जाएगा और ये आ जाएगा। 2 को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 12.6। अब हम ऐड करेंगे तो एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, 3 4 7 7 एंड 6 कितना आया 13, है ना, 3 3 6 6 2 8 8 1 9 डेसिमल पॉइंट पहले, 3 4 7 1 8 आठ लिखेंगे, है ना, 89.3। एक तरीका हमारे पास ये हो गया कि हम लोग पहले ही डेसिमल प्लेसेस के बाद राउंडिंग ऑफ मार देते हैं डिजिट्स को और रिजल्ट को एक बार में आंसर लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप सीधा ऐड कर लो 1 5 2 7 एंड 3 3 6 6 6 12 12 2, है ना, और 3 3 6 2 8 8 और 1 9 कितना आएगा 9, है ना, 3 3 6 है ना 9 होगा, 3 7 1 8 89.271, है ना। इसने सिग्निफिकेंट 1 तो नंबर फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल प्लेसेस के बाद एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इसमें 3 दिया हुआ है तो 1 और 7 को उड़ाएंगे, है ना, 1 को उड़ाएंगे और 0 भी नहीं प्लेस करेंगे, है ना, 89.7 को भी उड़ाएंगे तो उससे पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा 89.3। देखिए आंसर मैच कर रहा है। मैंने दो दो तरीके आपको बताए हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यूज करना कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन अभी मेरा एडिशन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करेंगे। ओके, तो राउंडिंग ऑफ हम लोग इस तरह से करेंगे, दो दो मेथड मैंने आपको बताया है। पहले ही राउंड ऑफ करते हैं पहले केस में, दूसरे केस में क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं उसके बाद राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन वाला केस हम लोग एक स्टडी करेंगे, लिखेंगे
105.69 माइनस 61.5 है ना, हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है नंबर को, क्या आंसर होगा विद द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ऐसे ही ऐड नहीं कर देंगे हम लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल्स को यूज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके देखिए, पहले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, दो, और दूसरे नंबर में एक है, तो दूसरे डिजिट में कितना है, सिंगल डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक तरीका पहले ही डेसिमल प्लेस के बाद राउंडिंग ऑफ मार देंगे, है ना, नाइन को उड़ा करके वहां पे सेवन कर देंगे, तो कितना 105.7 आ जाएगा, नाइन उड़ जाएगा, सिक्स को इंक्रीज हो जाएगा, सेवन आ जाएगा, 61.5 माइनस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 माइनस 5 2.5 में से बन गया तो 4, 10 में 6 गया तो 4, 44.2 है ना, 44.2। अब सेकेंड मेथड देखिए, 9 और 6 में से 5 गया तो 1, ओके, अब यहाँ पे 5, 1, 6 और ये कितना हो गया, 6, नहीं नहीं हमें क्या करना है, अभी सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ऐड कर दिया हमने, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इस केस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, देखिए अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना था, 5 में से 1 गया तो 4 और 10 में से 6 गया तो 4, कितना आया, 44.19। अब हमको एक डिजिट है ना डेसिमल प्लेस के बाद एक ही डिजिट आ रहा है एक नंबर में, है ना, उसमें दो आ रहा है, पहले वाले में दो, दूसरे वाले में एक, तो राउंडिंग ऑफ रिजल्ट में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 44.2, है ना, ये भी वही है, ये भी वही है, सेम रिजल्ट आ रहा है ना, तो दो दो मेथड मैंने आपको बताया है, राउंडिंग ऑफ का नहीं, ये है सिग्निफिकेंट यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं। अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं उसको हमको स्टडी करना है ना, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ये लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या कौन सा लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो ऐसे नंबर को चुनेंगे जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो, उतना ही सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट, उतना ही लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट फाइनल रिजल्ट में भी आना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसको देखकर बनाया गया, सबसे कमजोर सेक्शन को, सबसे कमजोर सोसाइटी को, सबसे कमजोर जाति को, है ना, जो फाइनेंशियली कमजोर है, उसी तरह से सिग्निफिकेंट डिजिट में भी सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज करना है हमको मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में। ओके तो जो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट कितना होगा उतना ही होगा, सबसे कम होगा, तो सबसे कम कैसे डिसाइड करेंगे, एक ऐसे नंबर को चुनेंगे जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो, वही सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट का नंबर हम फाइनल रिजल्ट में भी यूज करेंगे। ओके तो किसी भी नंबर को सबसे पहले चुनेंगे, उसमें देखेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से नंबर में, उतना ही फाइनल रिजल्ट में आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके तो मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो दोनों केस में
जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे एक नंबर हो, दो नंबर हो, तीन नंबर हो, चार नंबर हो, पांच नंबर हो, जितने सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब एक ऐसे नंबर को चुनेंगे जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो। ओके, तो समझिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, यूज ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन फाइनल रिजल्ट इज सेम एज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन एनी ऑफ द फैक्टर। सेम एज नंबर मतलब क्या, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 1.3 × 1.2 क्या आंसर आएगा भाई? 1.3 × 1.2 कितना आंसर आएगा? ये आ रहा है 1.1236 हो रहा है, 12 × 12 कितना हो गया? 15, 1.56। ये आ रहा है आंसर 1.56। और रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हम देखिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 आ रहा है, लेकिन जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट किसी नंबर कितना है? 2 है, और रिजल्ट में कितना है? 3। बहुत नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को हटाने के लिए हम 6 को रिमूव करेंगे, और जैसे ही 6 को रिमूव करेंगे, वो पहले बार प्रोसीडिंग जो इंक्रीज करेगा, दैट इज इक्वल टू 1.6। ओके, 1.6 आंसर अब सही है। 1.2 × 1.1 कितना आएगा? कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1.1, ये गड़बड़ है, क्या होगा? 12 × 12, 12 × 12 13, 132 है ना, 132 होगा। 1.32 आएगा, है ना, 1.32, तो 2 को हटाएंगे तो 1.3 आंसर आएगा। देख लीजिए, 12 × 12, 12 कितना होगा? 13 हो जाएगा, है ना, 1.3 आएगा। मिसप्रिंट है यहाँ पे, देख लीजिए। ओके, ये देख लीजिए, 1.3 आंसर आएगा। आगे देखिए, 1.1 × 1.1 कितना आएगा? 1.21। तो 1 को रिमूव करेंगे, क्या आएगा? 1.2। ओके, आगे देखिए, 2.5 × 2.5 कितना आ रहा है? 6.25। तो 5 को रिमूव कीजिए, 5 को रिमूव करके बाद कितना आ रहा है? 6.2। कितना आ रहा है ये? 6.2। दो नंबर सिग्निफिकेंट जीरो, 30 × 30, 30 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना? 1। इसमें भी कितना? 1, है ना। तो फाइनल रिजल्ट में कितना आना चाहिए? 1। कितना आएगा? 900। तो इसमें भी 1 आ रहा है, दो जो लास्ट जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट है। ओके, चलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। केस हमारा क्या है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज में लाते हैं, क्या जरूरत है इसका, है ना। तो चलिए एक सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1.1 × 1.2। इसमें आप देखिए, मल्टीप्लीकेशन अगर देखेंगे तो इसका रूल्स आप जानते होंगे कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या होता है, जो नंबर है जो जिसमें सबसे कम लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो, वो रिजल्ट पे भी हुकूमत जमाता है। जितना कोई नंबर उठा लीजिए इसमें सबसे कम लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो, उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट रिजल्ट में भी आना चाहिए। जैसे कि 1.1 × 1.2 कितना आएगा? 1.32 आएगा।
इसमें देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ये दो, इसमें भी दो, इसमें कितने हैं? तीन। गलत है ना, नाइंसाफी है। तो यहां नाइंसाफी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो लास्ट में टू डिजिट है अनसर्टेन डिजिट को उसको राउंड अप करना है, जो लास्ट से राइट हैंड साइड से राउंड अप करना है। टू को हटाएंगे तो कोई असर डालने वाला नहीं है प्रीवियस डिजिट पे, क्योंकि लेस देन फाइव है। ओके, तो ये आंसर कितना आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 1.3। कैलकुलेटर क्या बोलेगा, कैलकुलेटर बोलेगा कितना आएगा भाई, कैलकुलेटर बोलेगा 1.32। लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये सही माना जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 2.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लीकेशन का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, केस 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, 6.25। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट दो, इसमें भी कितना, दो, आंसर में कितना आ रहा, तीन, बहुत नाइंसाफी है। तो 5 को अनसर्टेन डिजिट को उड़ाएंगे, हटाएंगे यहां से, और प्रीवियस डिजिट क्या है, इवन है, कोई असर नहीं डालेगा, तो ये आंसर सही है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर जो बोल रहा था 6.25 वो सिग्निफिकेंट डिजिट में अप्लाई नहीं करेगी, ये गलत हो जाएगा। अगर एग्जाम में हम ऐसा ऑप्शन दे दिया, अगर आपने इसको टिक किया तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो मल्टीप्लीकेशन पे टेस्ट किया जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट का नॉलेज, बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है कि स्टूडेंट्स के पास बेसिक नॉलेज सिग्निफिकेंट डिजिट का है भी या नहीं, तब आपको यूज करना है इस सब तरीकों का, है ना। रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए जितना कि एक ऐसे नंबर में जिससे जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। ओके, चलिए अगर चलते 3.14 इंटू 5.0, इसमें कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, दो, इसमें कितना है, तीन, तो आंसर में कितना होना चाहिए, दो, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 4 जीरो, 5 इंटू 1 कितना हो गया, 2, 7 आ गया, है ना, 15 हो रहा है, 15 को क्या करेंगे, यहाँ 15 ही लिख देंगे, 2 और 3 डिजिट इधर है, तो 1.57 इतना आ रहा है, देख लीजिए क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। ये जो आ रहा है एक जीरो अगर बैठाएंगे फिर तीन डिजिट, 15.7, 15.7 आ रहा है। इसमें देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, तीन, इसमें कितना है, दो, तो आंसर में कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो सबसे कम लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है उस वही क्या करता है, रिजल्ट पे हुकूमत जमाता है, उसी के हिसाब से रिजल्ट भी तय किया जाता है। ठीक है, जो भी बोर्ड का पैटर्न है, जो क्वेश्चन आता है बोर्ड का पैटर्न, वो किसको देख के बनाया जाता है, सबसे कमजोर स्टूडेंट को देख के क्वेश्चन को सेट किया जाता है, फ्रेम किया जाता है। आप जो जानते होंगे अच्छे से, चाहे 12th का बोर्ड हो या 10th का बोर्ड हो या क्लास का टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट होता है, तो सबसे कमजोर स्टूडेंट को टारगेट में लेके बनाया जाता है कि वो स्टूडेंट भी आराम से पास कर सके, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ। इसमें क्या है कि जो सबसे कमजोर, सबसे इसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। ठीक है, 2, 3 आंसर में कितना होना चाहिए, 2, यहाँ कितना है, 5, बहुत नाइंसाफी है। इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, यहां से 2 जीरो को तो ऐसे हटा देंगे बिना सोचे, अब बचा कितना, 3, 3 में से 7 को भी हटाना है, 7 is greater than 5, इसको जैसे ही रिमूव करेंगे ये डेसिमल पॉइंट को भी हटा देंगे और यहां पे आ जाएगा 1.6। तो सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से इसका प्रोडक्ट 1.6 होना चाहिए। ओके, लेकिन कैलकुलेटर क्या बोलेगा, जो बोलेगा गलत बोलेगा, ये सिग्निफिकेंट डिजिट सही है, 16 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2, ये सही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा, 2.25। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2, इसमें कितने, 2, आंसर में कितना, 3, बहुत नाइंसाफी है ना। तो इस नाइंसाफी को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 और 2 आंसर में कितना, 3 आ रहा है, 5 को रिमूव करेंगे उससे पहले भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.2 विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडरेशन के हिसाब से ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए 2.1 इंटू 2.1 कितना आएगा, 2.1 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा शायद 4.41 आ रहा है। ओके, आप देख लीजिए 21 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 4, है ना, इतना ही आ रहा है। तो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2, इसमें भी 2, आंसर में 3, बहुत नाइंसाफी है ना। 16 का डायलॉग सुने हो, गब्बर का डायलॉग, बहुत नाइंसाफी है। कितने आदमी थे, सरदार 2, तुम कितने थे,
तो 6 7 ताने कितने थे, तो बहुत नाइंसाफी है। यहाँ भी क्या है, बहुत नाइंसाफी हुआ है ना, 2 2 आंसर में कितना आना चाहिए 2, तो इसको रिमूव करेंगे कितना आएगा 4.4, ये आंसर सही है, तब इंसाफ होगा सिग्निफिकेंट डिजिटली। ओके चलिए आगे चलते हैं, 13.3 डिवाइड बाय 21.1, अब इसको बताओ क्या होगा, ये डिवीजन का कहानी, अब तो मल्टीप्लीकेशन की कहानी पूरी हो गई। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप मल्टीप्लीकेशन का आसानी से हैंडल कर लोगे, मुझे विश्वास है काफी टैलेंटेड हो आप लोग। इसके बाद ये जो डिवीजन है इसका क्या आंसर है होगा बताइए, नहीं आंसर पता चल रहा है तो मोबाइल का यूज करेंगे, और मोबाइल क्या बता रहा है वो देखेंगे। इसमें देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आ रहा है, 3 और 3 दोनों में 3 है ना, तो आंसर लिखेंगे कितना होगा, ये आ रहा है 1.57 है ना, कितना आ रहा है 1.578, और बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये 1.57 जो आ रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3, इसमें कितने 3, आंसर में कितना होना चाहिए 3, इसको राउंड अप करेंगे, 8 को हटाएंगे क्योंकि इसमें 4 आ रहा है, अभी तो हम 4 दिखा रहे हैं, इसको हटाना होगा, इसको हटाने का परिणाम ये होगा कि ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 8 क्या है ग्रेटर देन 5 है, अब ये आएगा 1.58, ये सही आंसर है, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 658 डिवाइड बाय 125 क्या आंसर आएगा उसको देखेंगे कैलकुलेट करके, है ना, कैलकुलेटर क्या कहता है, आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे, दिमाग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। 658 डिवाइडेड बाय 125 कितना है 5.2, क्या आंसर 5.264, ये आंसर आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3, इसमें भी 3, आंसर में कितना आ रहा है 4, बहुत नाइंसाफी है, 4 को हटाएंगे, और 4 जो लेस देन 5 है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 5.26 विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए डिवीजन का केस अभी हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट इधर चलते हैं, 6.25 डिवाइडेड बाय 225 तो कितना आ रहा है, डेसिमल पॉइंट ना रहे तो कितना 25 सम कितना होता है 625, तो कितना लिखेंगे 25, ठीक है जी, और एक जीरो भी आ जाएगा, है ना, तो इसमें बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2, इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, आंसर में कितने होने चाहिए 2, तो ये क्या होगा इनसिग्निफिकेंट, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को 125 डिवाइड बाय 2.4 है ना, 125 डिवाइडेड बाय 2.4 कितना आएगा 52.08333, ऐसा करके आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2, इसमें कितना 3, आंसर में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, बाद बाकी सब उड़ जाएंगे, यहाँ इसको रिमूव करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8 को रिमूव करो कितना आएगा 1 आएगा, और इसको भी रिमूव करो तो सिर्फ 52 आ रहा है आंसर, 52 विल बी द करेक्ट आंसर, ये डिसाइड करेगा सबसे जो कम, ऐसा नंबर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट वो डिसाइड करेगा रिजल्ट, है ना, 52 विल बी द करेक्ट आंसर, 52 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं 2 हैं, इसको डिवाइड कीजिए 68 बाय 1.2, पता कीजिए कितना हो 6.8 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आ रहा है 5.666, बहुत बार 6 आ रहा है, इसको 5.7 कर दो तो आंसर कितना आ रहा है 5.7 इज द करेक्ट आंसर विथ द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के हिसाब से ये रिजल्ट सही था। ओके तो इस तरह से आप लोग समझिए सिग्निफिकेंट रूल्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्या रूल है, फिर उसके बाद हम लोग कुछ राउंडिंग अप भी सीखेंगे कि राउंडिंग अप कैसे रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे राउंड अप करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके
चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट्स. तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको क्या करना है, इसमें राउंड ऑफ करना है. ठीक है, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट. तो आखिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें कितने हैं, पांच. देख लो इसमें भी कितने हैं, पांच. इसमें भी कितने हैं, पांच. इसमें भी कितने हैं, पांच. वो 10 to the power 12 इनसिग्निफिकेंट डिजिट. ओके, क्योंकि वो जीरो है इसलिए उसको इनसिग्निफिकेंट मानते हैं. चलिए अब इसमें सवाल ये है कि राउंड अप करना है कितने तक, इंपोर्टेंट कितना है, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है. फोर भी नहीं दिया है, टू भी नहीं दिया है, थ्री दिया होगा. इसको ध्यान से देखेंगे तो थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर हम राउंड अप करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे. ए, ए को सॉल्व करने से पहले इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट रखना होगा, एक दो तीन. बाद बाकी उड़ाना है हमको, जीरो टू को भी उड़ाना है, सिक्स को भी उड़ाना है, और बस कहानी खत्म. और जिसको उड़ाएंगे उसके बदले जीरो रखेंगे. टू को उड़ाया, जीरो रखा, ठीक है, क्योंकि जीरो तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है. सिक्स को उड़ाया, जीरो रखा, लेकिन सिक्स क्या है, ग्रेटर देन फाइव है, तो प्रीसीडिंग डिजिट पर असर डालेगा, ये आएगा 5 5 1. ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं इसमें, तीन. इसमें कितने आ गए, तीन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट डिजिट है जीरो जो है, ऑल द डिजिट्स आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, लेकिन डेसिमल पॉइंट भी कहीं नहीं इसीलिए इनसिग्निफिकेंट. बी, बी पे चलिए. 14.745 में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसको उड़ाना है, इसको उड़ाना है. दो डिजिट को उड़ाएंगे तो ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे, तीन आएंगे. ठीक है, इस पे भी गौर फरमाते हैं, देखिए कैसे. फाइव को उड़ाएंगे, फाइव को उड़ाते हैं उसके मतलब जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो जो होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं. इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हम दिखाएंगे आपको. देखिए यहाँ पे हमने फाइव वाला जीरो लिखा. फोर, फोर क्या करेगा, इवन नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेवन, सेवन ये क्या कर रहा है, ये सेवन जो है सेवन ही रहने देते हैं इसको, है ना, सेवन रहने देते हैं. 14.7. अब बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसमें तीन और दो पांच है. ऑल द जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, इसीलिए ये जीरो को हम लोग हटा देंगे तो ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तीन रहेगा, नहीं तो तीन नहीं रहने वाला. इंपोर्टेंट बात ये है. चलिए सी, 14.750. अब इसमें 14.750 में क्या दिख रहे हैं, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, पांच. दो हटाना है, दो डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है उसको कंसीडर करेंगे ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं मैं, जीरो के बदले जीरो लिखो, फाइव के बदला जीरो लिखो, पिछले ऑड है तो क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा. ये कितना होगा, 14.8. ये जो डिजिट है जीरो हट जाएगा तो ही ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट थ्री आएगा, अन्यथा नहीं आएगा. ओके डी, चलिए डी ऑप्शन क्या है, 14.650 × 10 to the power 12. ये क्या है, जीरो, जीरो रखो, फाइव, फाइव मतलब जीरो. ये कितना है, सिक्स. सिक्स को क्या करेंगे, उससे पहले इवेन है तो सिक्स ही रह जाएगा, और 14.6. ये दो डिजिट उड़ जाएंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें भी थ्री ही आएगा, इंटू 10 to the power 12, ये इनसिग्निफिकेंट आ रहा है. इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, जानेंगे. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझिएगा कि अभी इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूं, बोलो कि अप टू फोर सिग्निफिकेंट डिजिट. मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आपसे कि ये फोर सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड अप करना है, नाउ राउंड अप ऑल द फॉलोइंग नंबर्स टू फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, फोर सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप इसको राउंड अप कीजिए, तो क्या करेंगे. एक मैं बता रहा हूं, बाद बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा. इसको देखिए, चार डिजिट तक हमें रहने देना है, इसको उड़ाना है सिर्फ, तो क्या आएगा सॉल्यूशन. ए, ए का सॉल्यूशन कितना होगा, 154. जीरो, जीरो क्या करोगे, रखो, टू के बदले जीरो रखो, और यहाँ पे सिक्स ही रहने दो. कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, चार. ये मैं बता रहा हूँ, बाद बाकी आपका होमवर्क है, इट्स ऑल योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट, टू डिजिट तक, अब टू, इसको टू डिजिट तक भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट बना सकते हैं. अब आपका ये और होमवर्क बन जाएगा, तो ए को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे. ये भी आपका होमवर्क, एक मैं बता रहा हूँ आपको, टू सिग्निफिकेंट डिजिट तक. अब ये कितना, ये देखो ये तीन तक था ना, अब इसको दो तक बनाना है हमें, तो फाइव से पहले क्या है, ऑड है, एक इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16000, 16000, है ना. ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, दो. ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट टू तक. आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप बनाओ,
अगर आपके पास नॉलेज अच्छा खासा है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स का, आप सॉल्व कर पाओगे। नहीं है तो आप टेस्ट करोगे कहाँ आप फंस रहे हो, है ना, कहाँ आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ट्राई योर लेवल बेस्ट, आप खुद इसको ट्राई करो। ओके okay?